नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में कोविड केयर वार्ड में एडमिट सस्पेक्टेड पेशेंट की मौत हो गई। 19 साल के नीलेश इनवाती को 13 जनवरी की रात अस्पताल लाया गया था, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम था। कोविड जैसे सिम्टम होने पर उन्हें कोविड केयर के ICU वार्ड में एहतियातन भर्ती किया गया था, जहां 14 जनवरी की रात उनकी मौत हो गई। युवक हर्रई ब्लॉक के बटका खापा के ग्राम नाचना का रहने वाला था। कोविड केयर प्रभारी डॉक्टर भूपेश जैन का कहना है कि मौत की वजह बैक्टीरियल निमोनिया है। सुबह मृतक की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5,315 पॉजिटिव केस मिले हैं, वहीं 1,186 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस का आंकड़ा बढ़कर 25,523 हो गया, जिनमें से 819 मरीज अस्पताल में भर्ती बताए जाते हैं। 176 का इलाज कोविड केयर सेंटर में चल रहा है, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.67% से भी ज़्यादा हो गया। वहीं भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मां ने बेटी को जन्म दिया, जो कि कोविड नेगेटिव है। शिवनगर की 30 साल की बबिता को 12 जनवरी की सुबह लेबर पेन हुआ, तो परिजन इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल लेकर पहुंचे। सर्दी खांसी होने के कारण यहां उनकी कोरोना जांच कराई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें सुल्तानिया ले जाने को कहा गया, लेकिन परिजन बबीता को हमीदिया ले आए। रिपोर्ट नेगेटिव आई तो डॉक्टरों ने बच्ची के पिता से कहा कि आप इसे घर ले जा सकते हैं, बच्ची को माँ का दूध जरूरी है, यह सोचकर परिजन घर नहीं ले गए। फिलहाल माँ ICU में है, जहाँ बच्ची इसी फ्लोर पर अलग वार्ड में है। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आशंका जाहिर की है कि 1 से 13 फरवरी के बीच इंदौर में कोरोना का पीक हो सकता है। कलेक्टर ने कहा है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण के दौरान विदेशों में 5 से 6% पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इंदौर में पिछले 7-8 दिन में किए गए आकलन के अनुसार लगभग 2% ही पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए हैं। वहीं 13 फरवरी तक एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा रह सकती है और इस दौरान हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होने की संभावना भी है। पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा ही रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि अब तक किए गए आकलन के अनुसार 1 से 13 फरवरी के बीच इंदौर में 7,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड होने की स्थिति में हो सकते हैं। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में ही कोरोना विस्फोटक स्थिति में है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस गति से केस बढ़े तो 1 से 13 फरवरी तक कोविड पीक पर रहेगा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले काफी तेज है। ये वेरिएंट तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। वहीं प्रदेश के चारों बड़े शहरों में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रदेश में शुक्रवार को 4,755 नए संक्रमित मिले, ये गुरुवार को मिले नए संक्रमितों से 724 ज्यादा है। वहीं शुक्रवार को सबसे ज्यादा 1,343 मरीज इंदौर और भोपाल में 986 मरीज मिले। इनके अलावा ग्वालियर में 570, जबलपुर में 349, रतलाम में 98, तो भिंड की कोर्ट में कोरोना का कहर बनकर फूटा है। यहां पर 44 केस मिले हैं, जिनमें से 6 जज शामिल हैं। जिले भर में 86 संक्रमित आ चुके हैं। गुना में भी 20 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोविड गाइडलाइन जारी करने के बाद शुक्रवार इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी गाइडलाइन जारी की। इसके तहत क्लास 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बड़े आयोजन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्राइवेट लैब संचालकों को कोरोना जांच आए व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड वेरीफाई कराना होगा, साथ ही जिसमें नाम नंबर और पता शामिल होना जरूरी है। जांच के दौरान मोबाइल नंबर और पता गलत निकलने पर लैब संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।